स्वागत है आप सभी का ट्यूसडे के स्पेशल पोस्टमार्टम केयर एपिसोड में। बहुत सारे व्यूअर्स जब हमने वीडियो शेयर करना चालू किया बेबी केयर और मदर केयर पे, तो ये पूछने लगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हम क्या साबुन से नहलाएं, क्या शैम्पू इस्तेमाल करें। तो ये जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप पहली बार मम्मी और पापा बने हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप में बच्चे के नहाने से जुड़ी साबुन और क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, सारी बातें समझते हैं। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी स्किन पे क्लियर होती है, जिसका कुछ एक फिक्स पीएच होता है। तो हमें बच्चे की जो स्किन है जन्म लेने के बाद, उसके हिसाब से साबुन, लोशन, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू आदि का सिलेक्शन करना होता है। इसको हम समझते हैं। लेकिन जन्म लेते ही बच्चे को सबसे पहले हम कब नहलाएं? तो देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी नाभि में गर्भनाल लगी होती है, 5 से 6 दिन में वो निकल जाती है, खुद ब खुद निकल जाती है। तो आप कोशिश करें कि उतने दिन तक आप रुके, 5 से 6 दिन बाद बच्चे को बाथ दें। उससे पहले आप बच्चे को पोंछ सकते हैं, उसको साफ रखने के जो भी तरीके हैं आपके डॉक्टर आपको सुझा रहे हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर बाथ बच्चे को 5 से 6 दिन बाद ही करवाना चाहिए। अब बात करते हैं बेबी के स्किन की। जो बच्चा जन्म लेता है तो स्किन बहुत नाजुक होती है और उसकी स्किन पे एक लेयर होती है जिसका पीएच होता है 4.5 से 6.2 के बीच में। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जिसका पीएच 4.5 से नीचे हो या 6.2 से ऊपर हो या फिर इनके आसपास मार्जिन पे हो दोनों तरफ, तो ये बच्चे के स्किन पे नुकसान पहुंचाएगा और बच्चे के दाने आ सकते हैं, जलन हो सकती है, रेड हो सकती है स्किन और बच्चा इरिटेटेड फील कर सकता है, उसकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा साबुन, कौन सा लिक्विड, कौन सा वॉश, कौन सा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए? आजकल मार्केट में बहुत सारे बेबी केयर सोप एंड शैम्पू आपको मिल जाएंगे, लेकिन ना आपको ब्रांड के पीछे भागना है, ना आपके परिवार में कोई बच्चा हुआ है उसको यूज़ किया था, उसको अच्छा लगा था, उसको सूट किया था तो आप भी करें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके पीडियाट्रिशियन आपको सलाह देंगे, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ बच्चे के जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको साबुन शैम्पू सेलेक्ट करने में, मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करने में दिक्कत है, तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी हेल्प करेगा, कि बच्चे का जो बॉडी है वो 5.5 पीएच के लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बच्चे की स्किन का पीएच का मिड रेंज होता है। तो जो भी साबुन लेते हैं, जो भी शैम्पू लेते हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र लेते हैं, आप उस पर पढ़ें कि उस पर कितना पीएच लिखा हुआ है, पैराबीन फ्री और ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे बेबी केयर के प्रोडक्ट्स में, तो आप उस पर पीएच भी पढ़ें। अगर वो 5.5 या उससे थोड़ा सा आगे पीछे है तो ये परफेक्ट है आपके बेबी के लिए और आप इसे निसंकोच, बिना घबराहट, बिना टेंशन, चिंता के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नन्हे बेबी के लिए। यही बात मॉइस्चराइजर पे लागू होती है, यही बात शैम्पू पर लागू होती है। अब बात आती है दूसरी, कि क्या उसमें अगर खुशबू है, कोई फ्रेग्रेंस है, तो उसको यूज़ करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस बच्चे के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनमें खुशबू है, उसमें सुगंध आ रही है आपको, तो समझ लीजिए कि सुगंध लाने के लिए कुछ केमिकल ऐड किया गया है और वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेग्रेंस वाला जो भी आइटम है बेबी केयर आइटम, वो आपको यूज़ नहीं करना है। पीएच 5.5 या उसके थोड़ा बहुत आसपास होना चाहिए, जो बेबी के लिए सेफ है, और हफ्ते भर बाद ही बच्चे को बाथ शुरू कराएं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जो चिंता है वो हल हो गई होगी। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय।